محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه في موضع آخر: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. خطبة مسنونة کے بعد سورة زمر کی آیت نمبر 22 और सूरतुल अनआम की आयत नंबर 88 और 89 तिलावत की गई है. पिछली नशिश्त में जो मौजू था, कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी हिदायत के लिए जो अहकाम नाजिल किए हैं उनमें से कुछ ऐसे अहकाम जो हमारी ज़िंदगी में नाफिस करने के लिहाज से बहुत ही अहम हैं, और अगर हम उनको नाफिस करते हैं तो अल्लाह के यहाँ हम कामयाब हैं, फलाह और बहबूदी के मुस्तहिक हैं. लेकिन अगर वो अहकाम हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिस नहीं करते तो रब्बुल आलमीन के यहाँ हम नुकसान खसारे के लायक हैं. जिसमें से पहला हुक्म आपके सामने ये बयान किया गया था, हमारी ईमानी ज़िम्मेदारी है कि हम दुनिया के अंदर जिस मकसद के खातिर आए हैं उस मकसद को कभी फरामोश ना करें. दुनिया की ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत दोनों के लिए इस्तेमाल करें. और आपके सामने ये बात वाज़ह की गई थी कि अगर हम दुनिया के अंदर महज दुनिया के लिए कोशिश करते हैं तो हम नाकामी और खसारे के मुस्तहिक हैं. और दूसरा हुक्म ये बयान किया गया था कि हर ज़ुबान का दावेदार जो अपने आप को साहिब ईमान और साहिब इस्लाम कहता है उसको अपने दावे का जायज़ा लेना चाहिए कि वो अमली एतबार से कितना सच्चा है और कितना झूठा है, क्योंकि हर दावा करने वाला रब्बुल आलमीन के यहाँ सदाकत का मुस्तहिक नहीं होता. अगर दावा बग़ैर सबूत और दलील के है तो वो दावा बातिल है, क्योंकि ईमान के नाम पर चंद ऐसे भी हैं जो लोग ज़ुबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देते हैं लेकिन अमल से उसका सबूत और उसकी दलील नहीं दे पाते तो अल्लाह के यहाँ वो झूठे कहलाते. अल्लाह ने इस बात को अपने कलाम मजीद के अंदर बयान किया, इसकी वजाहत आपके सामने की गई. आज कुरान करीम के अहकाम में से अहम हुक्म जो कि हमारी ईमानी ज़िंदगी के लिए कामयाबी और फलाह और बहबूदी के लिए बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा, जिसका ताल्लुक है हिदायत और ज़लालत. हिदायत और ज़लालत, सबसे पहले हिदायत के ताल्लुक से गुफ्तगू की जाएगी. हिदायत ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका माना मफहूम ये है रास्ता दिखाना. हिदायत का माना है रास्ता दिखाना, और ये दोनों ताल्लुक से इस्तेमाल होता है. अल हिदायतु इला दलाल औ अल हिदायतु इला ईमान, यानी गुमराही का रास्ता दिखाया जाए तो उसके लिए ये होता है सिफत लगती है दलालत की, और अगर सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाया जाए सीधा रास्ता दिखाया जाए तो उसके लिए हिदायत के साथ सिरात मुस्तकीम की सिफत लगती है, ईमान की सिफत लगती है. अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर हिदायत के ताल्लुक से तफसीली कलाम बयान किया है, इसलिए
हम सबसे पहले ये जाने, दुनिया के अंदर इंसान को अगर अल्लाह ने हिदायत नहीं दी अपने दीन की और अपनी मारिफत की और दुनिया की सारी नेमतों से उसे नवाजा, तो अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत है और अल्लाह का जो सबसे बड़ा अतिया है वो उसको नहीं मिला। हिदायत जो कि सिरात मुस्तकीम और अल्लाह की मारिफत की है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है और ये इनाम हर किसी को अल्लाह नहीं देता, ये इनाम हर किसी को नहीं मिलता। जिस किसी को अल्लाह ने अपनी मारिफत की और सिरात मुस्तकीम की हिदायत दी हो उसे अपने आप पे फख्र करने का हक है, इस नहीं से कि रब्बुल आलमीन ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वो अल्लाह की उतनी ही शुक्रगुजारी करे। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर बयान किया सूरतुल हुजरात में, यमुन्नून अलैका अन अस्लमु कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं हम मुस्लिम हो गए, यानी इस तरह इजहार करते इस्लाम का कि ये नबी पर एहसान कर रहे, इस्लाम ला करके ये नबी पर एहसान कर रहे। अल्लाह ने कहा इनसे कहो बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, अन हदाकुम लिल ईमान के तुमको ईमान की हिदायत। यहाँ आप देख रहे हैं हिदायत के साथ सिफत लगी है ईमान की, जिससे हम हिदायत का जो सही मफहूम है कि सीधा रास्ता दिखाना और सीधे रास्ते की तरफ चलाना वो अखस कर रहे हैं। नहीं, हिदायत का मतलब है रास्ता दिखाना, चाहे वो रास्ता जलालत का हो या वो रास्ता ईमान का हो, लेकिन हिदायत के साथ जो सिफत लगती है वो सिफत दोनों के बीच फर्क पैदा करती है। यहाँ हिदायत से मुराद जलालत का रास्ता है या हिदायत से मुराद ईमान और इस्लाम का रास्ता। यहाँ अल्लाह ने कहा अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुमको ईमान का रास्ता दिया, ईमान की हिदायत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। और जिसे अल्लाह ईमान की अपने मारिफत की हिदायत से महरूम कर दे, गरचे उसको दुनिया की हुकूमत मिले, दुनिया की बादशाहत मिले, दुनिया में रौब दबदबा और गलबा तसल्लुत मिले, लेकिन अल्लाह ने अगर अपने सबसे बड़े फजल और करम से उसे महफूज किया है, अपने मारिफत की हिदायत नहीं दी है तो उसे कुछ भी नहीं। उसकी मिसाल आप देखें, हारून को अल्लाह ने बेइंतहा दौलत दी, जैसा कि अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर इसका जिक्र किया, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة। हमने कारून को इस कदर खजाने दिए कि उसके खजाने की चाबियां उठाने वाली ताकतवर जमात थी, खजाने की चाबियां उठाने वाली ताकतवर जमात थी, इतने खजाने उसके पास थे कि चाबियां उठाने वाले जमात हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको ईमान की हिदायत नहीं दी, मूसा पर वो ईमान नहीं लाया। रब्बुल आलमीन का कलमा उसने अपने जुबान से नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ध, ये सूरतुल कसस में आयत नंबर 80 में अल्लाह ने बयान किया, हमने उसकी दौलत समेत उसकी जायदाद समेत उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया। कारून को दुनिया की ताजवरी, दुनिया की बादशाहत और हुकूमत तो मिल गई, लेकिन जो असली नेमत है रब्बुल आलमीन की, हकीकी नेमत, हकीकी इनाम, उसकी मारिफत की हिदायत वो मैसर नहीं हुई, इसलिए वो सारे नुकसान का मुस्तहिक ठहरा। फिरौन देखे, उसी का ही मुकाबिल, उसी का ही हम असर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का, अल्लाह ने उसको भी बड़ी हुकूमत दी लेकिन ईमान की हिदायत से महरूम किया, और अंजाम भी ये बताया कि हमने फिरौन और अहले फिरौन को समंदर में डुबा दिया। فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, हमने इनको समंदर में डुबा दिया क्योंकि ये हमारी आयतों पर ईमान लाने वाले नहीं थे बल्कि झुठलाने वाले थे। अबू लहब देखें, अबू जहल देखें, वलीद बिन मुगीरा देखें, उतबा और उतैबा देखें, ये जितने भी सरदार थे, रईस थे अपने ज़माने के, अल्लाह ने इनको दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतें दी थी लेकिन अपनी मारिफत की हिदायत नहीं मिली, इसलिए ये खसारे और नुकसान के मुस्तहिक ठहरे। हम अपने जहन में अल्लाह के इस हुक्म के ताल्लुक से ये फिक्रा बनाएं,
कुरान ने हिदायत पर जिस कदर जोर दिया है वो अपने जहन में बैठाएं। हिदायत ये रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत है, अगर हमें मिली है तो हम उसकी हिफाजत करें। उसके ताल्लुक से रब्बुल आलमीन ने जिस तरीके से करने को कहा है करें, जिन चीज़ों से बचने के लिए कहा है उन चीज़ों से बचे। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर कहा, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22 जो भी पढ़ी गई है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिलइस्लाम فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसका दिल कुशादा कर देता है इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से उसका दिल कुशादा कर देता है। कुरान की बातें जब उसके सामने बयान की जाती हैं तो वो लोग ईमान ले आते हैं। जिन कितनी सरकश कौम है, जिन जो है वो किस कदर सरकश है, तागी हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर सूरतुल जिन में आयत नंबर 23 और 24 में उनकी कैफियत बयान की, वो अन्ना लम्मा सनअनल हुदा आमन्ना बिह फमन युमिन बिरब्बिह फला यखाफु बख्सन वला रहाका। लेकिन जिन में भी चंद ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ने अपने ताल्लुक से हिदायत दी थी, वो अल्लाह की बातों पर ईमान ले आए। जिस वक्त उन्होंने हिदायत की बातें सुनी फौरन ईमान ले आए और कहा अगर हम ईमान नहीं लाएंगे तो नुकसान और खसारा हमारा ही होगा। अल्लाह ने कहा वो अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून फमन अस्लमा फाउलाइक तहर्रौ रशदा। जिन में चंद ऐसे थे जो साहिब इस्लाम थे, फर्मा बरदार थे, यानी अल्लाह ने उनको अपने ताल्लुक से हिदायत दे दी थी इसलिए वो हिदायत याफ्ता करार दिए गए, और ज़्यादातर ऐसे थे जो जालिम थे, अल्लाह ने उनको ताकत और कुव्वत तो दी थी लेकिन अपने ताल्लुक से हिदायत नहीं दी इसलिए अल्लाह ने उन्हें जालिम कहा। तो यहाँ हम और आप अपने जहन में ये फिक्रा बैठाएं, अल्लाह जिसे अपने ताल्लुक से हिदायत देना चाहता है उसका दिल कुशादा करता है। जब भी उसके सामने हिदायत की बातें कही जाएगी, कुरान की बातें पेश की जाएगी, उसका सीना कुरान के ताल्लुक से कुशादा हो जाएगा, फौरन एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा। और आप चंद ऐसे खाल खाल बंदे पाते होंगे जब उनके सामने आप कुरान की और हदीस की बात करें तो वो फौरन ही एक्सेप्ट कर ले। ज़्यादातर तावील करते हैं, तहरीफ और तस्हीफ का दावा करते हैं या फिर ऐसा उज़र बयान करते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ होता है, यानी वो फौरन कुरान की बातें हदीस की बातें कबूल नहीं करते। इसलिए अगर कुरान और हदीस की बातें जो शख्स फौरन कबूल कर लेता है जब उसके सामने बयान की जाती है तो ये अल्लाह की तरफ से उसको नेमत है कि अल्लाह ने उसका सीना कुशादा किया। और ये चंद लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, सारे लोगों को ये तौफीक नहीं मैसर होती। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिलइस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बी। जिसको रब्बुल आलमीन अपने ताल्लुक से हिदायत देना चाहता है उसका दिल कुशादा कर देता है। फहुव अला नूरिन मिन रब्बी और वो अपने रब की तरफ से नूर पर होता है। फ़वैलुल लिलक़ासियत क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, तबाही है, बर्बादी है उन दिलों के लिए जो अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह के ज़िक्र से बिल्कुल ही तंग है, यानी उनके दिल कुशादा नहीं होते, वो अल्लाह का ज़िक्र सुनते नहीं, वो अल्लाह का ज़िक्र करते नहीं। जब भी उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो दिल तंग हो जाते हैं, दिल कुशादा नहीं होते, ऐसे दिलों के लिए तबाही और बर्बादी है। उलाइक फी ज़लालिम मुबीन और यही लोग खुली गुमराही के शिकार हैं। अल्लाह नज़ल अहसन अलहदीथ किताबं मुतशाबिहा मसानिय तक़शअरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम थुम्म तलीन जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा व मन युज़लिलिल्लाह फ़मा लहु मिन हाद। अल्लाह ने कहा अल्लाह ही की वो ज़ात है जिसने सबसे बेहतर हदीस नाज़िल की है। अल्लाह नज़ल अहसन अलहदीस, अल्लाह ही की वो ज़ात है जिसने सबसे बेहतर हदीस नाज़िल की है, यानी कुरान करीम नाज़िल किया है, और कुरान करीम की आयतें हुक्म के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से आपस में एक दूसरे के मुशाबे हैं, हुक्म के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से आपस में एक दूसरे के मिसल है, एक दूसरे के मुतसावी और बराबर हैं। تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ جب وہ آیتیں اہل ایمان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے چمڑوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے چمڑوں پر جو بال ہیں ان بالوں کا اور ان رونگوں کا کھڑا ہو جانا، یہ عربی اردو کے اندر محاورہ ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا،
यानी वो कपकपी की कैफियत से मुत्तसिफ रहते हैं, वो अल्लाह के डर से कांपने लगते हैं। जो अहले ईमान है, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उन पर कपकपी तारी होती है, लेकिन उसके बरक्स जिनके दिलों में तंगी है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके दिल तंग हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादी, ये अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह जिसे चाहता है अपने बंदों में से नवाजता है, अपने बंदों में से अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है। वमन युज़लिलिल्लाह फमा लहू मिन हाद, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। आप देखें अबू तालिब के पास दुनिया की हर नेमत थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा भतीजा भी मौजूद था, लेकिन उसके बरक्स अल्लाह ने हिदायत उन्हें नहीं दी, उनकी ज़ुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकल सका, जबकि सारी चीज़ें दुनियावी नेमत भी मौजूद थी, कौम के रईस थे, सरदार थे, कौम वाले उनकी इजाज़त के बगैर कुछ काम नहीं करते थे। और यही अबू तालिब का रौब और दबदबा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात उनके रौब दबदबे की वजह से बचे भी। कौम वालों ने सरकशी की, तोगयानियत का रास्ता अख्तियार किया नबी के ख़िलाफ़, हत्ता के नबी के जान के दर पे हुए, लेकिन अबू तालिब के रौब दबदबे की वजह से वो काम वो नहीं कर सके, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान और तकलीफ़ नहीं पहुंचा सके। इस कदर अल्लाह ने समाज माशरे के अंदर रौब दिया था और इज्जत और वक़ार इनायत किया था, लेकिन हिदायत जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ने उन्हें नहीं दी। सब कुछ होते हुए भी इस नेमत से वो महरूम रहे और आखिर में उनका ठिकाना जहन्नम हुआ। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए कहा, सूरह कसस में आयत नंबर 56, इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन। नबी आप हिदायत के मालिक नहीं हैं, आप जिसे चाहें अल्लाह का रास्ता दिखाएं और उस पर चलाएं, यह आपका इख्तियार नहीं है, आपका काम है वइन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, सिर्फ रास्ता दिखाना चलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। उनके दिलों में कबूलियत के लिए मकाम पैदा करना ये हमारी ताकत और कुदरत है, दिल कुशादा करना ये हमारी कुदरत है, ये आपकी मिल्कियत में नहीं है, इसलिए आप अपने चिता से कलमा नहीं पढ़ सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की, आखिर तक कोशिश की, यहाँ तक कि अपने कान उनके मुंह पे भी रखे, قُلْ يَا عَمِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُحَاجُّ بِكَ كَلِمَةً عِنْدَ اللَّهِ, सिर्फ एक कलमा कह दीजिए मेरे कान में ही कहिए, ये कौम के सरदार आपके पास बैठे हुए हैं, ये आपको बहका रहे हैं कि अबू तालिब क्या अपने भतीजे का दीन कबूल कर लोगे, आबा अजदाद की मौत नहीं मरोगे, उनके दीन को फरामोश कर दोगे, ये आपको बहका रहे हैं, अगर आपको शर्म महसूस हो रही है कि आप इनके सामने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सकते तो मेरे कान में कह दीजिए। इतनी भी कोशिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की लेकिन वो अपनी ज़ुबान से नहीं कह सके। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर कहा यह सबको नहीं मैसर होती, ये हिदायत सबको नहीं मिलती, अल्लाह अपने बंदों में से चुनता है और जो लोग इसके लायक होते हैं रब्बुल आलमीन उनको देता है। आज आप अपने समाज और माशरे के हालात देखें, है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, लेकिन रब्बुल आलमीन ने अपने ताल्लुक से उन्हें हिदायत नहीं दी है, वो इस्लाम में आने के बाद भी शिर्क और कुफ्र पर बाकी हैं। हाँ, जब वो साहिब इस्लाम नहीं थे तो उनके साथ कुफ्र का नाम था, कुफ्र का टाइटल था, और वो अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क किया करते थे, लेकिन जब वो इस्लाम में दाखिल हो गए तो अब उनका नाम इस्लामी हो गया, अब्दुल्ला हो गया, अब्दुर्रहमान हो गया, लेकिन उनकी सिफत नहीं बदली, उनके काम नहीं बदले, उनके हरकत नहीं बदले, जैसे वो जमाने कुफ्र में किया करते थे जमाने इस्लाम में आकर के भी वही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी है। हिदायत ये सबको नहीं मिलती, हर जुबान से कहने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के ताल्लुक से सही मारिफत हासिल कर ले, जो कुछ अल्लाह ने कहा है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी का मुकद्दर भी नहीं है कि रब्बुल आलमीन उसको ये चीज़ दे। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, नबी आपको भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप जिसके सीने में चाहें अल्लाह के ताल्लुक से मारिफत डाल दें, ये इख्तियार आपको नहीं, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। वो हुआ आलमु बिल मुहतदीन, और वो अल्लामुल गुयूब जानता है हकीकत में हिदायत याफ्ता कौन है, हकीकत में सीधी राह पर कौन है, ये अल्लामुल गुयूब जानता है। रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद के अंदर बतौर चैलेंज दूसरी जगह कहा ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादी, ये सूरह अल अनआम की आयत नंबर 88 है, ये अल्लाह की हिदायत है, यानी
जो अल्लाह ने नाजिल किया है ये अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसकी राह दिखाता है, यानी वो कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार लेते हैं। आप देखिए अबू जहल इस उम्मत का फिरौन कहलाया गया, इस उम्मत का फिरौन कहलाया गया, और अबू जहल के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से लानती और बददुआया कलिमात भी निकाले। अल्लाह ने अबू जहल के ताल्लुक से इशारतन किनायतन अपने कलाम मजीद के अंदर बतौर वईद और सजा बहुत सी आयतें भी नाजिल की कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं नबी का, जो लोग झुठलाते हैं उनके लिए जहन्नम है, उनके लिए तबाही है। नाम तो नहीं लिया गया लेकिन बतौर इशारा बतौर किनाया कुरान के अंदर अबू जहल के अजाब और उसके वईद के लिए बहुत सी आयतें भी आईं। बहरहाल अबू जहल फासिकों में से फाजिरों में से सबसे बड़ा रईस था, लेकिन देखे रब्बुल आलमीन का कानून, अल्लाह ने उनके फर्जन को साहिब इस्लाम बनाया। इकरमा बिन अबी जहल ये साहिब इस्लाम बने, अल्लाह ने इनको तौफीक दी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज बने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही ये ईमान ले आए थे। बाप सबसे बड़ा काफिर लेकिन बेटा रब्बुल आलमीन की तौफीक की वजह से साहिब इस्लाम बना। ऐसे ही मनी मुनाफिकीन का सरदार मदीने के अंदर जो कि सबसे बड़ा रईस था निफाक का, जिसका खिताब ही था रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल। बाप के हक में अल्लाह ने यह मुकद्दर किया कि वो सबसे बड़ा मुनाफिक कहलाया गया और अल्लाह ने उनकी वईद उनके ताल्लुक से वईद अपने कलाम मजीद के अंदर नाजिल की कि इनकी नमाज जनाजा आप ना पढ़े, इनके ताल्लुक से एक बार नहीं 70 बार भी अगर आप इस्तग़फ़ार तलब करते हैं, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फ़िर अल्लाह लहुम, एक बार इनकी मग़फ़िरत का आप सवाल करें, अगर 70 बार भी आप कर रहे हैं तो भी अल्लाह इनको माफ़ करने वाला नहीं। लेकिन उनके फर्जन को अल्लाह ने इस्लाम की हिदायत दी और वो साहिब इस्लाम बने, उनके फर्जन का नाम भी अब्दुल्ला था। लेकिन ऐसे ही आप देखें नूह हैं नबी अकरम अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनके घर में रब्बुल आलमीन ने जो उनका फर्जन रखा वो इस्लाम की हिदायत से महरूम रहा, वो अपने बाप पर ईमान नहीं लाया। ऐसे ही उनकी जो खातून और बीवी थी वो भी अपने शोहर पर और अल्लाह की बात पर ईमान नहीं लाई, जैसा कि अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर मिसाल बयान की, ضَرَبَ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ, अहले कुफ्र के लिए मिसाल है नूह और लूत की जो खातून थी, यानी लूत की जो बीवी थी वो भी उन पर ईमान नहीं लाई थी और नूह की जो बीवी थी वो भी उन पर ईमान नहीं लाई थी। उसके बरक्स आप देखें ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون, अहले ईमान के लिए जो मिसाल है फिरौन की बीवी की मिसाल है, फिरौन कितना बड़ा काफिर और अपने आप को रब कहलाने वाला, अना ربكم الأعلى, मैं ही रब हूँ, मा علمت لكم من إله غيري, मैं अपने अलावा कोई इलाह नहीं जानता, कोई माबूद नहीं जानता, कोई है तो मैं ही हूँ, यही उसका दावा था। लेकिन उसके घर में देखे उसके साथ रहने वाली उसकी बीवी उसकी खातून, अल्लाह ने उनको हिदायत से सरशार किया और हिदायत याफ्ता बनाया, उनके ताल्लुक से अपने कलाम मजीद के अंदर कदर व मंजिलत की आयतें नाजिल की, उनका मकाम और रुतबा बुलंद किया। अहले ईमान के लिए मिसाल है फिरौन की बीवी की, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रही फिर भी उन्होंने अपने आप को साहिब इस्लाम बनाया। तो ये अल्लाह का कानून है, हिदायत ये रब्बुल आलमीन की कुदरत है, अल्लाह ने जिसके लिए ये हिदायत मुतय्यन की है उसी को मिलती है, हर कस व नाकस को ये नहीं मिलती। और ये ऐसा भी कानून नहीं है कि अगर बाप नेक है तो बेटा भी नेक है, अगर बाप बुरा है तो बेटा भी बुरा है, ये रब्बुल आलमीन का कानून नहीं। अल्लाह चाहेगा हो ना हो बाप बुरा है, जैसा कि आप देखें आज़र ये सबसे बड़े बुत फरोश, आज़र जो था ये सबसे बड़ा बुत फरोश था, इनके हाथों के बनाए हुए बुत कहाँ कहाँ दुनिया के अंदर बेचे जाते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके फर्जन को अपना खलील बनाया, उनका लकब ही रखा खलीलुल्लाह, अल्लाह के जिगरी दोस्त, यानी अल्लाह के जो दोस्त हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के खलील हैं, ऐसे इब्राहिम भी अल्लाह के खलील हैं। तो अल्लाह ने हिदायत के ताल्लुक से ये सारे वाक़ियात अपने कलाम मजीद के अंदर नाजिल किए हैं। अगर हमें और आपको अल्लाह की तरफ से ये नेमत मिली है तो हम इसकी हिफाजत करें, और इस नेमत का मतलब ये है कि हम अगर अल्लाह को पहचानते हैं कि हमें अल्लाह ही के सामने झुकना चाहिए, सजदे उसके सामने करने चाहिए, सवाल उससे करना चाहिए, हाजत रवाई मुश्किल कुशाई ये सब में हमें अल्लाह ही को याद करना चाहिए, तो हम सिर्फ रब्बुल आलमीन ही से वो सवाल करें और अल्लाह ही से तमाम तर मदद का सवाल करें। अगर हम रब्बुल आलमीन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसने हमें रास्ता दिखाया फिर भी हम उस रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो हम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े अजाब के मुस्तहिक होंगे। अब आपके सामने हिदायत के ताल्लुक से ये बयान किया जाए कि इंसान को इतनी बड़ी नेमत मिलती कैसे,
ये बहुत बड़ी नेमत है, जैसा कि अभी चंद वाक़यात से कुरान और हदीस की बातों से आपके सामने वाज़ह किया गया, जिसको हिदायत मिली है उसके ऊपर रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा करम है, क्योंकि अल्लाह ही ने कहा है कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुमको ईमान की हिदायत दी है। अगर हमको ईमान का रास्ता दिखाया है, इस्लाम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह की मारिफत हासिल हुई है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अगर ये नेमत नहीं मिलती, दुनिया की सारी नेमतें मिल जाती तो भी हम अपने आप को जन्नती नहीं बना सकते, क्योंकि अहले जन्नत अपने ताल्लुक से कहा, जैसा कि सूरतुल आराफ़ में नंबर 43 में अल्लाह ने कहा, وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله। हम जन्नत में आए इस वजह से आए, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत दी। अगर हमें अल्लाह हिदायत नहीं देता तो हम जन्नत में आ ही नहीं सकते। और आगे अहले जन्नत बयान भी करते, हम अपनी ताकत और अपनी कुदरत के ताल्लुक से, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ, हमारी कोई ताकत और कुव्वत नहीं थी कि हम साहिब हिदायत बन जाते, मगर ये तो अल्लाह ही का करम था कि उसने हमें साहिब हिदायत बना दिया। हम नहीं बन सकते थे, हमारी कोई ताकत नहीं थी। तो जन्नती जन्नत में किस वजह से गए कि अल्लाह ने उनको हिदायत दी थी, इसलिए वो जन्नत में गए। इसी तरह अम्बिया, जो भी नबी बना, जो भी रसूल बना, उन्होंने अल्लाह के ताल्लुक से क्या कहा, आप देखें सूरह इब्राहिम के अंदर आयत नंबर غالباً آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। رسول بھی انسانوں کی طرح ہی ہیں, لیکن اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کو نبوت اور رسالت دی ہے۔ سارے بندوں کو اللہ نبوت اور رسالت نہیں دیتا, اللہ اعلم حيث يجعل رسالته, अल्लाह ज़्यादा जानता है कि रिसालत का मुस्तहिक कौन है, रसूल उसको ही बनाता है। नबूवत का मुस्तहिक कौन है, नबी उसको ही बनाता है। लेकिन सारे बंदे तो नबी नहीं बन सकते, सारे बंदे रसूल नहीं बन सकते। रसूलों ने कहा अल्लाह ने हम पर एहसान किया है कि हमको रसूल बनाया, हमें अल्लाह ने चुन लिया, अपना पैगंबर बनाया। उसके बाद कहते हैं वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह वक़द हदाना सुबुलना, और जो पैगाम अल्लाह का पहुँचा रहे हैं और उस पर आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र कर रहे हैं, जो परेशानियां हमें लाहिक हो रही है दावत के कामों में, उन परेशानियों पर हम सब्र कर रहे हैं, ये भी हमारी कोई ताकत नहीं है। وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, अगर अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता अपने तरीक़ों की, तो हम ना तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकते थे, ना ही आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र कर सकते थे। यानी रसूल अपनी मंजिलत कदर व मकाम के ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत याफ्ता किया, अपने रास्तों के ताल्लुक से हिदायत दी, तब हमने अल्लाह का पैगाम भी दूसरों तक पहुंचाया, और जो मुसीबतें आई पैगाम पहुंचाने में, उन सारी मुसीबतों पर हमने सब्र भी किया, नहीं तो हमारी कोई ताकत नहीं थी कि हम अल्लाह का पैगाम अपनी ताकत से पहुंचा सकते और आने वाली मुसीबतों पर सब्र कर सकते। ऐसे ही अहले जहन्नम जहन्नम में जाएंगे तो वो भी ये बयान करेंगे कि हम हिदायत याफ्ता नहीं थे, इसलिए आज हमारा शुमार जहन्नमियों में है। अगर हमें अल्लाह हिदायत देता तो हम जहन्नमी नहीं बनते। यह आयत आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है कि दुनिया में अगर अल्लाह ने हमें हर तरह की दौलत से नवाजा हो, लेकिन अपनी मारिफत की हिदायत नहीं दी, इस्लाम की हिदायत नहीं दी, ईमान की हिदायत नहीं दी, तो हमारे पास कोई नेमत नहीं है जिसके वास्ते से हम जन्नत में चले जाएं। हमारे पास ऐसी कोई नेमत नहीं है जिसके बदल और जिसके तवस्सुत से हम जन्नत तक पहुँच जाएँ, क्योंकि अहले जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह बयान कर रहा है सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 21, व बरसूलिल्लाहि जमीअन फकाल अद्दुअफाउ लिल्लदीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअअ फहल अंतुम मुग्नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शय कालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस। मैदान महशर में जहां रब्बुल आलमीन अज़ाब दिखाएगा, वहाँ दुनिया के अंदर जो लोग बग़ैर सोचे समझे किसी को रहनुमा रहबर मानते थे और ये उम्मीद रखते थे कि अल्लाह के अज़ाब से हमें बचा लेंगे, रब्बुल आलमीन उनको उनका मुकाबला कराएगा। इस तरफ मानने वाले होंगे और इस तरफ जिनको माना जा रहा था वो लोग होंगे। जो लोग दुनिया के अंदर मान रहे थे वो उनसे मैदान महशर में कहेंगे चलिए अपने वादे के मुताबिक हमें जन्नत दिलाइए, आपने दुनिया के अंदर हमसे वादा किया था। तो ये लोग जिन्होंने वादा किया था, जिन्हें दुनिया के अंदर माना गया, जिन्हें दुनिया के अंदर साहिब इत्तिबा समझा गया, जवाब क्या देंगे, लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, हम दुनिया में हर चीज़ दिए गए लेकिन हिदायत नहीं थी, अगर हम हिदायत दिए गए होते लहदैनाकुम तो तुमको भी सीधा रास्ता देता।
हिदायत तुमको भी मिलती, लेकिन जब तुमने हमको माना, हमारे नक्शे पापे चले, हमारे पीछे चले, तो हम तो हिदायत याफ्ता है नहीं। हमको दुनिया में सब कुछ दिया गया मां सिवा हिदायत के, हिदायत नहीं मिली और तुम हमारे पीछे चले, जो कुछ हमने किया वैसे वैसे तुमने भी किया। तो जब हमारा ठिकाना बगैर हिदायत के जहन्नम है, तो तुम्हारा ठिकाना भी बगैर हिदायत के जहन्नम होगा, क्योंकि जो हम करके आए वो तुम करके आए, और हम दुनिया में जो करके आए हिदायत के बगैर करके आए, हमको हिदायत नहीं मिली इसलिए हम जहन्नम में जाएंगे, तो तुम भी हमारे साथ जाओगे। सवाउन अलैना अजज़ना, चाहे अब जहन्नम में हम सब्र करें या जजा फजा करें, मालना में महीस, हम जहन्नम से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। तो ये आयतें बता रही है कि इंसान को दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें मिली है बगैर हिदायत के, वो नेमतें इस लायक नहीं है कि वो जन्नत में अपने आप को दाखिल कर सके, उसके वास्ते वो जन्नत में जा सके। अगर हिदायत मिली है और दुनिया की कोई नेमत नहीं मिली, तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत उस पर अल्लाह ने मैसर की। ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد الى السماء। जिसे अल्लाह इस्लाम की हिदायत दे दे उसका सीना कुशादा हो जाता है, और जिसे रब्बुल आलमीन इस्लाम के ताल्लुक से गुमराह कर दे उसका सीना बिल्कुल तंग हो जाता है। और रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद के अंदर इसके असबाब बयान किए, वो अभी आपके सामने बयान किए जाएंगे कि हम ये नेमत जो अल्लाह की सबसे बड़ी है कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके मुस्तहिक कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला जरिया वसीला जिसके जरिए आप हिदायत हासिल कर सकते हैं, आप रब्बुल आलमीन से दुआ करें। हिदायत हासिल करने का सबसे पहला जरिया वसीला कि आप अल्लाह से दुआ करें बिल इखलास, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुहतदीन, अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता बना, अल्लाह हमें उन लोगों में से बना जिन्हें तूने हिदायत दी। और ये कलेमात अल्लाह ने हमें सिखाए हैं, सूरतुल फातिहा में ये कलेमात मौजूद हैं, आयत नंबर 5 से 7 तक। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम, ये कलेमात अल्लाह ने अपने कलाम मजीद की पहली सूरत में, जो कि तमाम सूरतों की सरदार है, सूरतुल फातिहा नाजिल किए हैं। अब इंसान जहाँ ये सूरत पढ़ी जाती है, यानी खासतन ये सूरत नमाजों के अंदर पढ़ी जाती है, नमाज का अहतमाम करेगा तो रब्बुल आलमीन उसके वास्ते से उसको हिदायत देगा। अगर वो ये सूरत ही नहीं पढ़ता, ये कलिमात ही जुबान से नहीं निकालता, तो रब्बुल आलमीन उसे हिदायत कैसे देगा। अल्लाहुस समद व इन्नल्लाह लगनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि फ़लाँ को हिदायत दे फ़लाँ को हिदायत दे। जो मांगेगा, जो हिर्स और लालच का इजहार करेगा हिदायत के ताल्लुक से, जिसके सीनों में तड़प होगी, जिसके सीनों में शौक और उम्मीद होगी, रब्बुल आलमीन उसको देगा। जिसको नहीं है, रब्बुल आलमीन को क्या है, वो तो बेनियाज है सारे जहां से। यानी हम हिदायत याफ्ता हो तो फायदा हमारा है, रब्बुल आलमीन का क्या फायदा है। नताइज समरात अच्छे हमें मिलेंगे, जन्नत के अंदर नेमतें हम हासिल करेंगे और मुस्तफीद और मुस्तफीद हम होंगे, उन नेमतों से फायदा इस्तेफादा हम करेंगे। और रब्बुल आलमीन जो शख्स सवाल नहीं करता उसे साहिब हिदायत नहीं बनाता। अब ये जो दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। और सिरात मुस्तकीम इसकी तफसीर कुरान में ही मौजूद है, इसको कहा जाता है तफसीरुल आया बिल आया या तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की एक आयत की तफसीर, एक आयत की वजाहत कुरान की दूसरी आयत के जरिए। अभी अल्लाह ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ हमें हिदायत दे, तो सिरात मुस्तकीम क्या है अल्लाह दूसरी आयत में बयान कर रहा है। सिरात मुस्तकीम का क्या मतलब है ये अल्लाह दूसरी आयत में बयान कर रहा है। इसको तफसीर की इस्तिलाह में मुफस्सिरीन कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान। कभी ऐसा होता है कि कुरान की एक आयत की तफसीर या चंद जुमलों की तफसीर हदीस रसूल करती है, और कभी ऐसा होता है कि कुरान की एक आयत की वजाहत, एक आयत की तफसीर कुरान की दूसरी आयत करती है। तो अगर कुरान से कुरान की तफसीर और कुरान की वजाहत की जाए तो इसको कहा जाता है तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी कुरान ही से कुरान की एक आयत की तफसीर की गई, एक आयत की वजाहत की गई है। सिरात मुस्तकीम का मतलब अल्लाह बयान कर रहा है सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यानी हमें अल्लाह से सवाल करना है अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, और सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर चलने वाले तेरे इनाम के मुस्तहिक हुए हैं। मसलन अंबिया हैं,
सहाबा हैं, ताबईन हैं, अतबाए ताबईन हैं, जो भी नेक हैं, कुरान और हदीस के मुआफिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने इनाम और इकराम की वजाहतें और शहादतें नाजिल की हैं, हमें उन लोगों के रास्ते का अल्लाह से सवाल करना है। अगर हम सवाल नहीं करते तो रब्बुल आलमीन हमें हिदायत याफ्ता नहीं बनाएगा। यह पहला सबब है, पहला जरिया है कि हम हिदायत के ताल्लुक से अल्लाह से सवाल करें। दूसरा सबब हिदायत पाने का और हिदायत हासिल करने का, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, कुरान से रिश्ता उस्तवार रखें, कुरान से हमारा ताल्लुक जुड़ा रहे। इसलिए कि अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर कहा, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, ये कुरान ही सबसे बड़ा जरिया है हिदायत पाने का। कुरान ही सबसे बड़ा जरिया है, तरीका है हिदायत पाने का। अगर इंसान कुरान से जुड़ा रहता है और कुरान पढ़ता है समझ के, कुरान के अंदर जो मौजूद है उसके मुताबिक अमल करता है तो हिदायत याफ्ता है। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा, यह आयत पिछली मरतबा आपके सामने बयान की गई थी रमजान के ताल्लुक से, सूरह बकरा आयत नंबर 185, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास, अल्लाह ने रमजान के महीने में वो कुरान नाजिल किया जो सारे लोगों के लिए हिदायत है, जो सारे लोगों के लिए हिदायत है। अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए हिदायत का सामान बना करके कुरान की शक्ल में अपना कलाम नाजिल किया है। ऐसे ही अल्लाह ने बहुत सी जगह अपने कलाम मजीद के अंदर कुरान को हिदायत का हुदा, जैसा कि अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में कहा, कुल या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर वहुदन वरहमतन लिलमुमिनीन, नबी आप कह दें तुम लोगों के पास अल्लाह की तरफ से नसीहत आई। ये पहली सिफत है कुरान की, अल्लाह ने कुरान को मौइज़त कहा, शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर, सीनों की बीमारियों का इलाज आया। ये दूसरी सिफत है कुरान की, कुरान शिफा है जिस्मानी बीमारियों का और रूहानी बीमारियों का, कुरान शिफा है जिस्मानी बीमारियों का और रूहानी बीमारियों का। ऐसे ही वह हुदन, कुरान मुस्तकिल तौर पे हिदायत बना करके नाजिल किया गया। अगर हम और आप कुरान से रिश्ता उस्तवार रखते हैं, कुरान से हमारा रिश्ता जुड़ा रहता है, और रिश्ता जुड़ा रहने का मतलब ये नहीं कि हम कुरान पढ़ें सिर्फ, बल्कि कुरान पढ़ें समझ के और उसके मुताबिक अमल करें, तब हम हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में क्या कहा, अलिफ लाम मीम ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, यानी कहा कि अल्लाह ने वो किताब नाजिल की है जिसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, और ये तमाम लोगों के लिए हिदायत है, बल्कि कैद कर दिया हुदन लिलमुत्तकीन, अल्लाह ने वो किताब नाजिल की जिसके अंदर कोई शक और शुबा नहीं, और ये सिर्फ अहले तकवा के लिए हिदायत है। अहले तकवा का मतलब है जो कुरान पढ़ते हैं और उसके अंदर हराम चीज़ें हैं उससे बचते हैं, उसके अंदर हराम जो चीज़ें हैं उससे बचते हैं, उनके लिए यह कुरान हिदायत का सामान है। सबके लिए तो हिदायत बना करके अल्लाह ने नाजिल किया है, लेकिन हिदायत मिलती किसको है, सबको नहीं मिलती हिदायत कुरान से, बल्कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। हुदल लिलमुत्तकीन कहा ना, मुत्तकीन का मतलब है हराम से बचने वाले, परहेज करने वाले। जाहिर है जो कुरान के अंदर हराम है, गीबत हराम है, जिना हराम है, ऐसे ही बे फरोख के अंदर सूद हराम है, वो तरीके हराम है जो अल्लाह ने ममनू किए हैं, यानी जहाँ से इंसान माल कमाए तो उसका माल हराम होता है, ऐसे रिश्तेदारों को तकलीफ देना ये हराम है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना ये हराम है, किसी का खून बहाना ये हराम है, किसी की इज्जत के ऊपर हमला आवर होना ये हराम है। जो भी मुहर्रमात कुरान ने बयान किए हैं, अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये हराम है, फिर हमें बचना है, जब हम बच गए तो हम मुत्तकी हैं। हुदल लिल मुत्तकी, हिदायत सबके लिए है, लेकिन हिदायत हासिल कौन करता है कुरान से, मुत्तकी। अगर अमल नहीं है तो हमें हिदायत नहीं मिलती, अमल नहीं है तो हिदायत हमें कुरान से नहीं मिलती। ये दूसरा जरिया और वसीला था हिदायत हासिल करने का, कि कुरान से हमारा रिश्ता जुड़ा रहे, और रिश्ता किस तरह जुड़े, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जुड़े, बल्कि पढ़े भी समझ के। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान को बआसानी समझ सकते हैं, आप पढ़ना नहीं जानते तो भी आप कुरान समझ सकते हैं, इसलिए कि कुरान मस्मूआत में आ गया है, आप कुरान सुन के भी कुरान समझ सकते हैं।
लेकिन आप में जोश हो, आप में जज्बा हो और आपके अंदर शौक हो। अगर शौक है तो आप कुरान समझ ले जाएंगे। जब आप समझेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके मुताबिक अमल करें। तीसरा जरिया वसीला हिदायत हासिल करने का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो हम नबी को रहनुमा रहबर मानते हैं और नबी की इताअत करते हैं। और अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर एक ज़ाबता बयान किया सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 54, अगर तुम रसूल के मुताबिक चलते हो, रसूल की इताअत करते हो तो हिदायत याफ्ता हो। इन तुतीउहु तहतदु, अगर तुम वैसे ही करते हो जैसे रसूल करके गए हैं तो हिदायत याफ्ता हो। अल्लाह को यह मकसूद नहीं कि आप ज्यादा कर ले जाए। मसलन इंसान ये कहे मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, पूरे दिन रोजे रखूंगा, जितने भी दिन है मेरी जिंदगी के हर दिन में रोजा रखूंगा, अल्लाह को ये मकसूद नहीं है। कोई ये कसम खा ले कि मैं रोजाना कुरान की तिलावत करूंगा यहां तक कि पूरा कुरान खत्म कर लूंगा एक ही दिन में, अल्लाह को ये मकसूद नहीं है। अल्लाह को नेक अमल में नबी की सुन्नत मकसूद है, नबी का नमूना मकसूद है। अगर आप जोहर की नमाज के बदले 4 रकत है 10 पढ़ ले, 40 पढ़ ले, तो आपको 1 रकत का भी सवाब अल्लाह नहीं देगा। अल्लाह को मकसूद ये नहीं है कि आप जोहर की फर्ज रकातें 4 से ज्यादा पढ़े, गरचे 40 पढ़ ले या उससे ज्यादा पढ़ ले। मकसूद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज फर्ज कितनी पढ़ी है, कैसे पढ़ी है। अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे का, नमूने का हर नेक अमल में ख्याल करते हैं तो तहतदु, आप हिदायत याफ्ता हैं, आपके नेक अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं और आप उसके मुताबिक जजा दिए जाएंगे, आप उसके मुताबिक बदला दिए जाएंगे। अगर हमारा किया हुआ नेक अमल चाहे वो करने के लिहाज से कितना भी बड़ा हो, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम रोजाना कुरान खत्म करते हैं, हम पूरी रात नमाजें पढ़ते हैं, हम नफिल रोजे बे इंतहा रखते हैं, लगातार रखते हैं, तो अल्लाह को ये मकसूद नहीं, क्योंकि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। नबी ने रोजाना नफिल रोजे नहीं रखे, नबी ने पूरी रात नफिल नमाजें नहीं पढ़ी, नबी ने 3 दिन से कम में कुरान खत्म करने का हुक्म नहीं दिया। अगर इंसान कुरान खत्म ही करना चाहता है तो उसके लिए 3 दिन तो कम से कम होने ही चाहिए। उससे कम में अगर आप कुरान खत्म करते हैं तो आप कुरान का मजाक उड़ाते हैं, कुरान का हक अदा नहीं करते हैं। तो अल्लाह ये नहीं देखता कि इंसान ने किया है जो नेक अमल वो करने के लिहाज से कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, बल्कि उसमें अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिकत और मुआफ़क़त देखता है। नबी के नमूने उसवे के मुताबिक है तो मकबूल है, नबी के नमूने और उसवे के मुताबिक नहीं तो अल्लाह के यहाँ मरदूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीने से मक्के के लिए तशरीफ लाए, मक्का फतह करने के लिए से रमज़ान का महीना था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकले, आप रोज़ा रखते भी थे और छोड़ते भी थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप रोजे से थे, सफर में थे, इसलिए इजाजत थी कि आप अगर रोजा रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, फर्ज रोजे रमजान के। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे, असर की नमाज हो गई, उसके बाद किसी सहाबी ने आके आपको बताया कि कुछ लोगों पर रोजा मुश्किल हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तपिश बहुत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक प्याला मंगाया, फदअ बिमाइन, एक पानी का प्याला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगाया, फरफअहु अमाम अन्नास, उसको लोगों के सामने बुलंद किया, थुम्म शरिबहु, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का वो प्याला मुंह को लगा दिया, यानी आपने उसी वक्त इफ्तार कर लिया, रोजा तोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में बताया गया कुछ लोग हैं अल्लज़ीन युसब्बिरूना अला सियामिहिम, जो अपने रोजों पर अभी तक मुसर हैं, अभी तक वो अपने रोजों पर मुसर हैं, यानी उन्होंने इफ्तार नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अभी चंद मिनट बाकी है और गुरुवे आफ्ताब हो जाएगा, अगर इनके पास ताकत है, कुव्वत है तो ये रोजा पूरा कर ले, फर्ज रोजा है ना, पूरा कर ले। उलाइकल वसा, यही ना फरमान है। मुझे देखा, मैंने जो किया वो करो। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास ताकत थी, वो रोजा पूरा कर सकते थे और असर की नमाज हो चुकी है, अब वक्त ही कितना रह गया है, दिन का ज्यादातर हिस्सा तो रोजे से गुजर गया है। हिकमत मसलहत ये भी है कि हम रोजा पूरा कर लें, मसलहत का भी तकाजा, अकल का भी तकाजा ये है कि हम रोजा अगर ताकत है तो पूरा कर लें। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फैसला किया, उलाइकल वसा, यही लोग ना फरमान, मैंने जो किया वो क्यों नहीं किया, मेरे मुताबिक उनको करना है। इसीलिए आप नामो निहान अहले इस्लाम को देखे जो दुनिया के अंदर दीन के नाम पर ऐसे काम करते हैं जो अकली एतबार से अच्छे हैं,
अकल कहती है कि ये बेहतर है, लेकिन दीनी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं किया। जिसमें से एक ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन नबी के चर्चे करना, नबी के फवाइल बयान करना, नबी की तारीफ बयान करना। अकल तो कहती है कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन नबी की तारीफ की जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जाए, आपकी सताइश की जाए, लेकिन दीन से इसका सबूत नहीं है। ऐसे ही मैयत के लिए जो लोग कुरान पढ़वाते हैं और कहते हैं कि कुरान हम इनको बख्श देते हैं, इन तक कुरान पहुंच जाता है, अकल तो कहती है कि इंसान अगर कुरान पढ़ा रहा है मैयत की तरफ से और उसका सवाब भेज रहा है तो मैयत को उसको ज़रूरत है, मैयत को इसकी ज़रूरत है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। यह एक शफकत है मैयत के ताल्लुक से, लेकिन दीनी एतबार से इसका कोई सबूत, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से ऐसा करना साबित नहीं है। जो लोग अजाब के मुस्तहिक भी ठहरे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी हुआ तो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से ऐसा अमल नहीं किया। तो अल्लाह ये नहीं देखता कि हम अमल ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, अल्लाह हर अमल के पीछे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़त और मुताबकत देखता है, क्योंकि कानून बयान कर दिया। और ये कानून अगर आप सीख लें, सिर्फ इतना ही जुमला आप सीख लें, दुनिया के अंदर दीन के नाम पर जितने भी आमाल हैं इनको हम बिदअत कहते हैं, सारी बिदअतों का आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यही एक जुमला है, व इन तुतीउहु तहतदू, सूरह नूर आयत नंबर 54, व इन तुतीउहु तहतदू, अगर नबी ने जो किया है वैसे ही करते हो तो हिदायत याफ्ता हो, अगर नबी से सरे मुंह इनहराफ करते हो, बाल के बराबर भी, एक बालिश के बराबर भी अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोगर्दानी है तो अल्लाह के यहां उस अमल की कोई कदर कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इताअत करें तो हम अल्लाह के यहां हिदायत याफ्ता हैं, और इताअत तब होगी जब हम नबी की सीरत पढ़ेंगे, नबी की तारीफ करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाकिब जानेंगे, आपकी फजीलत जानेंगे। क्योंकि इंसान जिसको अपना रहनुमा रहबर जानता है उसके ताल्लुक से पढ़ता है, और पढ़ने से फिर उनकी जो मदह सराई है, उनकी मनकबत है, उनकी फजीलत है, हमारे दिल में बैठती है। जब हम नबी के अहवाल पढ़ेंगे, नबी की सीरत पढ़ेंगे, तो नबी की एक मोहब्बत हमारे दिल में जागुजी होगी, और जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी सारी बातें मानता है। जिस तरीके से एक बेटा है अपने बाप से मोहब्बत करता है, अगर आप देखें बाप नमाज पढ़ रहा है, जैसे जैसे अरकान कर रहा है, तो बेटा अपने वालिद की इत्तिबा और इक्तिदा करता है, क्योंकि बेटे को बाप से मोहब्बत है। बाप जैसे अरकान अदा कर रहा है नमाज के अंदर, बेटा अपने वालिद की इक्तिदा कर रहा है मोहब्बत के पस मंजर में। तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तब करेंगे जब नबी की सीरत पढ़ेंगे, और जब हमें मोहब्बत होगी तब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा रहबर मुक्तदा मानेंगे, नमूना मानेंगे, और जब हम नमूना मानेंगे तब हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत पढ़ते हैं तो हम हिदायत दिए जाते हैं। और चौथा तरीका जहाँ से इंसान हिदायत हासिल कर सकता है, उसकी सोहबत हल्का याराना, जहाँ वो बैठता है, जहाँ वो लोगों के साथ महफिलें रचाता है, सोहबत बेहतर हो, अच्छी हो। जो लोग नेक हैं, सालेह हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, कुरान और हदीस के सांचे में रहने वाले हैं, उनसे उसकी सोहबत हो, उनसे उसका रिश्ता हो और उनसे उनकी दोस्ती हो। अगर हमारी सोहबत में बिगाड़ है, निफाक है और कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, गरचे हम कितने भी नेक हैं, सालेह हैं, लेकिन कभी ना कभी कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी की भनक हमें लग सकती है, और हम उनकी सोहबत में रह करके गरचे उनके मुआफिक ना चलते हैं, वो जैसा कर रहे हैं वैसा हम ना करते हों, फिर भी हम उनको गलत करते देख रहे हैं, इसलिए उनकी सोहबत के मुआफिक या उनकी सोहबत इख्तियार करने की वजह से अल्लाह के यहाँ बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर बहुत सी जगह इस उसूल को बयान किया, जैसा कि अल्लाह ने सूरतुल मायदा में या अय्युहल लदीना आमनू ला तत्तखिदु यहूद वल नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अहले ईमान यहूद और नसारा से दोस्ती ना करो, उनके साथ महफिल ना रचाओ, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर तुम उनके साथ दोस्ती करते हो तो तुम्हारा शुमार इनमें से ही है। ऐसे अल्लाह ने कहा ला यत्तखिदुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى, اهل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفر کرنے والے کو اپنا دوست بنائے۔ یا ایھا الذين امنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالموده, یہ سورۃ الممتحنہ کی ایت نمبر 1 ہے جس میں اللہ نے کہا میرے دشمن اور اپنے دشمن کو تم دوست نہ بناؤ, کیونکہ اگر تم ان سے دوستی کرتے ہو تو وہ کبھی نہ کبھی تمہاری مخالفت کریں گے۔
ऐसे रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 138 में बयान किया, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ। जो लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं उनके साथ मत बैठो, क्योंकि अगर उनके साथ बैठते हो तो तुम्हारा शुमार भी उन लोगों में से, तुम्हारा शुमार उन लोगों में से। وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ। जब किसी को देखो कि हमारी आयतों का मजाक उड़ा रहा है तो फौरन वहां से रुखसत हो जाओ, एराज कर लो उससे। अगर आप उसके साथ रहते हैं, उसके साथ सोहबत इख्तियार करते हैं, तो आप भी अल्लाह की आयतों के मजाक उड़ाने में उसका साथ दे रहे हैं। अगर आपको मदद करनी है तो अच्छाई के कामों पर आप मदद कीजिए, वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, बुराई और सरकशी के कामों पर आप एक दूसरे की मदद ना करें। इसलिए हमारी सोहबत, हमारी रिफाकत, हमारी दोस्ती ऐसे हलके से हो जिस हलके में दीनदारी हो, जिस हलके में रब्बुल आलमीन से लोग डरने वाले हो। अगर हम दोस्ती करते हैं अहले फिस्क से, अहले फुजूर से, अहले निफाक से, अहले इनाफ से, अहले कुफर से, तो फिर हम कितने भी सही हैं रब्बुल आलमीन के यहाँ गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ाब्ता बयान किया, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंज़ुर इला मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर हम दोस्ती कर रहे हैं वो काफिर है, वो फासिक है, वो फाजिर है, तो हमारा शुमार भी उसके दीन पर होगा। फल यंदो इला में युफालिल, इसलिए दोस्ती करने से पहले देखो किससे दोस्ती कर रहे हो। ये तरीके थे जिससे हम हिदायत हासिल कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका आपके सामने बयान किया गया हिदायत हासिल करने का, हम अल्लाह से दुआ करें। दूसरा तरीका बयान किया गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें समझ करके और उसके मुताबिक अमल करें, जिससे हम हिदायत याफ्ता हो सकें। तीसरा तरीका, तीसरा जरिया और वसीला बयान किया गया हिदायत हासिल करने का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। क्योंकि नबी की सीरत पढ़ेंगे तो हमारे दिल में नबी की मोहब्बत जागेगी। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हर अमल आपके इख्तदा में होगा, हर अमल आपके नमूने के मुताबिक होगा। और चौथा तरीका बताया गया हिदायत हासिल करने का कि हम दोस्ती और रिफ़क़त जिसके साथ भी करें वो अहले तक़वा हो, अल्लाह से डरने वाले हो, कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाले हो। ये चार तरीके थे जो अहम थे हिदायत हासिल करने के। अगर हम इन चार तरीक़ों पर अमल पैरा हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुशकिस्मत हैं जिनके ताल्लुक से रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। वमन यहदिल्लाह फमा लहू मिन मुज़िल, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे कायनात की पूरी ताकत भी उसे गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम इन चार तरीकों से महरूम हैं तो फिर रब्बुल आलमीन ने दूसरा कानून भी ये बयान किया है, वमन युज़लिलिल्लाह फमा लहू मिन हाद, जिसे रब गुमराह कर दे पूरी दुनिया मिलके भी उसे सीधी राह नहीं दिखा सकती। जिसे रब गुमराह कर दे पूरी दुनिया मिलके भी उसे सीधी राह नहीं दिखा सकती। और उसकी मिसाल आपके सामने बयान की गई अबू तालिब के लिए। देखिए सारी ताकतें एक तरफ हो गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी बेइंतहा कोशिश कर ली, लेकिन अल्लाह का कानून है वमन युज़लिलिल्लाह, जिसे रब गुमराह कर दे फमा लहु मिन हाद, उसे कोई हिदायत याफ्ता नहीं कर सकता। ये कुरान करीम का बहुत बड़ा हुक्म है जो हमारी रुश्द व हिदायत की ज़िंदगी में हम नाफिस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के यहाँ कामयाबी के मुस्तहिक हो सकते हैं। कि हम अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी जो नेमत है हिदायत, उसके हासिल करने के जो तरीके हैं कोशिश करें, काबिश करें, ताकि हम हिदायत याफ्ता बने। ऐसे ही दूसरा कुरान करीम का हुक्म जिसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने बेहतर करार दिया, इसे भी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिस करें। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर बयान किया सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अगर हम गौर से सुने इस तरह की बातों को तो तकरीबन चंद महीनों में कुरान करीम के ऐसे बहुत से अहकाम जो हमारी ज़िंदगी में नाफिज हो सकते हैं हम अपने जहनों में बसा सकते हैं, और इसकी मदद से हम रब्बुल आलमीन से बहुत करीब हो सकते हैं और शैतान के हटकंडों से बहुत बच सकते हैं। ये बातें जो कुरान करीम के अहम अहकाम के ताल्लुक से आपके सामने बयान की जा रही है ये चुनिंदा बातें हैं, ये चुनिंदा बातें हैं, क्योंकि कुरान अहकाम से भरा पड़ा है। कुरान के अंदर एक दो हुक्म नहीं है, हज़ारा हज़ार हुक्म हैं कुरान के अंदर। लेकिन उन तमाम तर अहकाम में से जो अहम हैं
जिसकी हमारी ज़िंदगी के अंदर नाफिस करने की बे इंतहा ज़रूरत है, वो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। अगर आप इस पर मुतवज्जे होते हैं, गोश गुजार होते हैं या गोश बर आवाज़ होते हैं, यानी अपने कानों को हमारी आवाज़ पर रखते हैं, तो आप चंद महीनों में कुरान करीम के ऐसे बहुत से अहकाम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाफिस कर सकते हैं और अल्लाह से करीब हो सकते हैं और शैतानी हटकंडों से बहुत दूर हो सकते हैं। और हुक्म अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर जो बयान किया, जिसकी तफसील अभी आपके सामने आएगी, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। हम और आप जानते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर जब बड़ा कहलाता है तो उसके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से उसको बड़ा माना जाता है। जैसे इल्म वाला अपने मकाम और अपने रुतबे के लिहाज से लोगों के अंदर बड़ा कहलाता है, आलिम है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। किस वजह से? उसके पास इल्म की खूबी है। अगर इल्म की खूबी नहीं है तो उसकी लोग इज्जत नहीं करते। ऐसे ही जो तबीब हैं या दुनिया के जो भी फनकार हैं जिनको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, उनके फन की खूबी की वजह से अगर वो खूबी ख़त्म हो जाए तो उनकी इज्जत बाकी नहीं रहती। ऐसे उम्मते मुहम्मदिया जो है, अल्लाह ने तमाम तक उम्मतों पर इनको फजीलत दी है, इसकी चंद खूबी बयान की है। अगर वो खूबी हमारे अंदर मौजूद है तो ये हुक्म हमारे लिए है कि हम सबसे बेहतर हैं, ये हुक्म हमारे लिए कि हम सबसे बेहतर हैं। अगर वो खूबी हमसे साबित हो गई और वो खूबी हमसे निकल गई तो फिर गर्चे हम समझे कि हम सबसे बेहतर हैं, हम बेहतर नहीं हैं। क्योंकि सिफत से इंसान मौसूफ होता है, जब तक के इल्म है आलिम कहलाया जाएगा और सही मानों में आलिम कहलाने का मुस्तहिक है। ऐसे ही फन तिब है, तबीब कहलाया जाएगा और उसको तबीब कहने का हक भी है। ऐसे ही उसूल तिजारत मालूम है, ताजिर कहलाया जाएगा, उसको ताजिर कहने का हक भी है। उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को अल्लाह ने कहा तुम सबसे बेहतर हो, उनकी चंद खूबियाँ बयान की। अब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें वो खूबियाँ हैं या नहीं। अगर है तो हम सबसे बेहतर हैं और नहीं तो फिर उसको पैदा करने की कोशिश करें। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। यहाँ अल्लाह ने एक वस बयान किया, उखरिजत लिन्नास, उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने लोगों के लिए पैदा किया है। अगर इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी जिए और ताकत कुव्वत होते हुए लोगों का ख्याल ना करे तो बेहतरी उससे ख़त्म हो जाती है। उम्मत मोहम्मदिया क्यों बेहतर है? इसलिए कि वो लोगों के लिए पैदा की गई। हमें अपनी ज़िंदगी के भलाई के साथ दूसरों की भलाई की भी कोशिश और काविश करनी है और ये जज्बा हमारे समाज से बिल्कुल मफकूद हो जा रहा है। आप एक साहिब गना को लें जिसे अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया, गनी बनाया, मालदार बनाया। अब उसने अपने जद्दोजहद से पैसा कमाया, अपनी ज़रूरत पर तो बेतहाशा खर्च कर सकता है, कोई कलाम नहीं, जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है, लेकिन दूसरों की ज़रूरत पर जब उससे तलब किया जाए तो चंद ही ऐसे हैं जो दूसरों का ख्याल करते हैं। अपनी ज़रूरत पर खर्च करना ये कोई कमाल नहीं है और ये कोई खूबी नहीं है। हर कसो ना कस, सखी और फयाज और बखील भी अपनी ज़रूरत पर खर्च करता है, लेकिन दूसरों की ज़रूरत पर खर्च करने वाले बहुत कम हैं। और उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतर है, उसकी पहली खूबी अल्लाह ने बयान की, उखरिजत लिन्नास, वो लोगों की भलाई का भी ख्याल करते हैं। और आप देखें अंसार की तारीफ कुरान ने अपने कलाम के अंदर क्यों की, युफिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ऐसे दुनिया में लोग थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अंसार, क्यों अल्लाह ने इनका लक़ब रखा मदीने वाले, ये अल्लाह के दीन के मददगार हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं, क्योंकि अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला। ये खुद भूखे रहते लेकिन भूखों को खाना खिलाते, इनके पास खाना और ग़िज़ा मौजूद होती, अपनी ज़रूरत पर लोगों की ज़रूरत को मुकद्दम रखते, अपनी ज़रूरत पर लोगों की हाजत को मुकद्दम रखते, खुद तो तकलीफ़ उठा लेते लेकिन दूसरों को उठाने नहीं देते। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुहाजिरीन जो थे सब कुछ छोड़ कर के आए मदीने के अंदर, तो अंसार का जज्बा देखें, जो कुछ भी जिसके पास था उसने कहा कि आप ले सकते हैं, जो कुछ भी जिसके पास था अहले अंसार में से उन्होंने कहा आप ले सकते हैं, और जिनके पास एक से ज़ायद बीवियाँ थीं उन्होंने कहा हम तलाक देते हैं और आप इनसे शादी कर सकते हैं, हम तलाक देते हैं और आप इनसे शादी कर सकते हैं। ये जज्बा था
वो अल्लाह ने इनकी तारीफ़ अपने कलाम मजीद में नाजिल की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैमाना बताया। क्या कहा आपने? लौ सलकल अंसार वादियन लसलकतु माहुम, अगर मदीना छोड़ के अंसार जाते हैं जंगलों में तो मैं भी चला जाऊँ, अगर अंसार चले गए मदीना छोड़ करके तो मैं भी इनके पीछे चला जाऊँगा, क्योंकि इन्होंने इतना ख्याल किया है मेरा, मेरे सहाबा का, अल्लाह के दीन का, इतनी मदद की है। और आपने कहा हुब्बुल अंसार मिन अल ईमान व बुग्दुल अंसार मिन अल निफाक, ये सारी हदीसें सही हैं। ये हदीस आपको इमाम मुस्लिम की सही किताब सही मुस्लिम के अंदर और इमाम बुखारी की सही किताब सही बुखारी के अंदर मिलेगी। इमाम मुस्लिम ने इसको किताब मनाकिबुल अंसार में बयान किया है। अंसार से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है, और उनसे नफरत और अदावत रखना ये निफाक की अलामत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अकूनु मिनल अंसार, अकूनु मिनल अंसार या अना मिनल अंसार, मैं अंसारी हूँ, यानी मेरा जो शुमार है। अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर थे, मक्की थे, नियत तो ये है ना कि आप मक्के के थे, आप मदीने के नहीं थे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मदीने को आपका हमेशा का घर बनाया और आपके लिए मदीना हमेशा के लिए जाय करार पाया। आप मक्का फतह करने के बाद भी वहाँ नहीं रुके और आप मुसाफिर की हैसियत से वहाँ ठहरे, आपने नमाज भी कसर की। क्यों? अल्लाह ने उस घर से जहाँ से नबी ने हिजरत की, सहाबा ने हिजरत की, हराम करार दिया कि वहाँ दोबारा जाकर के मुकीम रहे, वहाँ वो मुकीम नहीं बन सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को जाय करार बनाया और इस्लामी हुकूमत बनाया, और ये भी कहा कि अल्लाह ने इब्राहिम के जरिए मक्के को हरम बनाया, वही हरमतुल मदीना कमा हरम इब्राहिम मक्का, जिस तरीके से इब्राहिम ने मक्के को हरम बनाया वैसे मैं मदीने को हरम बनाता। وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَعِيهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةِ, میں مدینے والوں کے ناپ تول میں یعنی ان کا جو پیمانہ تھا ان کا جو ترازو تھا اس کے حق میں دعا کرتا ہوں دو گنا جس طرح ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کے لیے جتنی دعا کی ہے اس کے دو گنا برکت کی دعا میں اہل مدینہ کے لیے کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کے اندر اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بطور ادب سکھایا گیا کہ ہم کسی کا عیب فاش نہ کریں, ہم کسی کا عیب فاش نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی تمام ابن آدم کے سامنے میدان محشر میں پردہ پوشی کرے گا۔ مثلا ہم کسی کا عیب چھپائیں تو اللہ ہمارا عیب چھپائے گا, ہم کسی کے پیچھے پڑے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے تو رب العالمین ہمارے پیچھے پڑ جائے گا, اور اللہ جس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے تو کیا وہ بچ سکے گا ذلت اور رسوائی سے؟ اس لیے اس صفت کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں, یہ بہت بڑا حکم ہے ہماری ایمانی زندگی میں نافذ کرنے کا کہ ہم جس طریقے سے اپنی ضرورت اور حاجتوں کا خیال کرتے ہیں ویسے دوسروں کی ضرورت کا بھی حسب طاقت اور قوت خیال رکھیں۔ آپ کے پاس جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے دوسروں کی ضرورتوں کا آپ خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ محض دنیا میں اپنے لیے پیدا کیے گئے, بلکہ آپ کی پیدائش اللہ بیان کر رہا ہے اخرجت للناس, یہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے, یعنی ہم اصلاً تو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں, آپ کے پاس جب نہیں تھا آپ اچھے کلمات کہہ کر کے واپس کر دیتے ساحلوں کو, لیکن جب آپ کے پاس آیا تو گھر کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا, گھر کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اللہ نے ضابطہ یہ بیان کیا کسی بھی نبی کا ترکہ یہ ان کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا, ان کے وارثوں کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ نبی کی چھوڑی ہوئی ہر چیز للہ اور فللہ, یہ بیت المال کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کیا۔ صحابہ میں سے بہت سے صحابی جو دیہاتوں سے آئے اور اسلام میں داخل ہوئے ان کے آنے کی وجہ یہ تھی, چلے مدینہ کے اندر ایک نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے, وہ بہت زیادہ دینے والا ہے, بہت فیاض ہے, بہت سخی ہے, جو بھی مانگا جاتا ہے وہ دیتا ہے۔ بہت سے صحابہ دیہاتوں سے اس لیے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لے سکے, شروع میں نیت یہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا ان کو, صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ ان کو اتنا کیوں دے رہے ہیں, ہم تو آپ کے لیے جانساری اور فداکاری کا ہر موقع
हासिल करते हैं। जब भी आप कुछ कहते हैं हम आपके लिए तैयार हो जाते हैं, आपने तो हमें इतना नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते और कहते अगर तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरी नहीं करता हूँ, तुम्हारा हक है कि मैं तुमको दूँ, लेकिन ये हक मैं दूसरों को दे रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे भाई जहन्नम से बच जाए, तो क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो? सहाबा माल गनीमत लेकर के आते हैं, जंग वो करते हैं, अल्लाह के राह में कोशिश काबिश वो करते हैं, बदला तो उनका था ना कि माल गनीमत उनके भी तकसीम किया जाए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे मुस्लिमों को देते जो इस्लाम में सिर्फ लेने की हैसियत से आए, यानी उनके दाखिल होने की वजह ये थी कि हम नबी से कुछ पाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते। अगर मेरे कुछ देने से तुम इस्लाम कबूल करते हो जहन्नम से बच रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। बाद में फिर अल्लाह ने उनकी इस्लाह कर दी और वो लोग इस्लाम के अंदर मुस्तहकम और मजबूत हो गए। उख्रिजत लिन्नास, हम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल करें, तअमुरून बिलमारूफ वतनहौन अनिल मुनकर, ये दूसरी सिफत अल्लाह ने बयान की हमारी बेहतरी की कि हम भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। इंसान भलाइयों का हुक्म देगा बुराइयों से रोकेगा, लेकिन उससे पहले एक इल्तिमास जो अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर किया है, एक हुक्म दिया है, अतअमुरून अन्नास बिलबर वतनसौन अनफुसकुम वअंतुम तत्लून अलकिताब, अगर हम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हैं तो अकल का तकाजा है कि हम पहले उसके मुआफिक चलें, क्योंकि अगर इंसान दूसरों की ज़रूरतें पूरी करता है तो अकल का तकाजा है कि जैसे वो दूसरों की ज़रूरतें पूरी करता अपनी ज़रूरत भी पूरी करे। हम दूसरों को सही बात बताएं, सही राह बताएं, तो सबसे पहले उस सही राह अपने आप को दिखाएं, अपनी इस्लाह करें, उसके बाद दूसरों की इस्लाह करें। अल्लाह ने यहूदियों का अमल अपने कलाम मजीद के अंदर बयान किया, ये यहूदी दूसरों को तो कहते हैं रसूल पर ईमान लिया, ये रसूल सही है, लेकिन ये खुद ईमान नहीं लाते, ये खुद ईमान नहीं लाते, ये अपने आप को भुला देते हैं। तो हम भलाइयों का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें, लेकिन उससे पहले अपने ऊपर नाफिस करें, भलाइयों से अपने आप को सरशार रखें, बुराइयों से अपने आप को बचाएं, उसके बाद हस्बे ताकत, जैसा कि अल्लाह ने कलाम मजीद के अंदर सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में बयान किया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहा الناس والحجارة, अहले ईमान अपने आप को अपने अहलो याल को उस जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन या तो इंसान है या तो पत्थर है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को पहले जहन्नम से बचाएं, उसके बाद अहल में, मुफस्सिरीन का कहना है अहल में इंसान के करीबी रिश्तेदार भी हैं और दूरी रिश्तेदार भी हैं, और वो लोग भी हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके गिर्दोपेश में रहते हैं, जिनसे आपका ताल्लुक है, अहल में सब शामिल हैं। आपके पास ताकत और कुव्वत है तो जैसे आप अपने आप को साहिब ईमान बना चुके हैं, अल्लाह के मौके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसे आप उनको भी बनाइए। आपका काम है पहुंचाना, आपका काम है बतलाना, सिखाना, समझाना। अगर उनके मुकद्दर में अल्लाह ने हिदायत रखी होगी तो उनको मिल जाएगी, लेकिन हम कोशिश करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को नकल किया है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरन बिल मारूफ वलतनहौन अनिल मुनकर أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم بھلائیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو, اگر ایسا نہیں کرو گے جب تم پر عذاب آئے گا, عذاب کسی بھی قسم کا ہو, اگر آ گیا اور اللہ سے دوری کے لیے تم دعا کر رہے ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہم کس قدر ذلیل ہیں, پست ہیں اور کتنی پریشانیوں کے شکار ہیں, چاہے وہ جسمانی ہو, مالی ہو, سماجی ہو, کتنی پریشانیوں کے ہم شکار ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی, پریشانیوں کا حل نہیں نکلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھلائیوں کو پہنچاؤ, برائیوں سے روکو, اگر ایسا نہیں کرو گے عذاب جو آئے گا, عذاب کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو گے, اللہ دعا نہیں قبول کرے گا۔ اس لیے ہم خود بھی اپنے آپ پر اللہ کا حکم نافذ کریں, اپنے آپ کو بھلائیوں سے سرشار رکھیں, برائیوں سے بچائیں, اور حسب طاقت جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, جو صحیح طریقہ ہے جتنا ہم جانتے ہیں ان تک پہنچائیں, اور جو برا طریقہ ہے اس سے ہم بچائیں۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے کلام مجید میں بیان کیا, تأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر, یعنی بلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ علماء یہود جو کہ خود تو نیک عمل کرتے تھے لیکن برائیوں سے نہیں روکتے تھے, اللہ نے ان پر لعنت کی ہے, جیسا کہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں یہ بیان کیا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ نے داؤد اور عیسیٰ کی زبان میں بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت بھیجی کیونکہ وہ ہدایت یافتہ تو ہو گئے تھے لیکن لوگوں کو جب برا کرتے دیکھتے تو روکتے نہیں۔
बुराइयों से नहीं रोकते थे, ताकत होते हुए भी। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही वइन लम यस्तति फबिकल्बिही वदालिका अज़अफ़ु अला ईमान। अगर हमारे पास ताकत है किसी बुराई को रोकने की तो हम हाथ से रोकें, हाथ की ताकत है। जुबान की ताकत है, जुबान से रोकें। अगर दोनों की ताकत नहीं, हाथ और जुबान की, तो दिल में बुरा जाने, जब तक हम जी रहे ये ताकत तो हमारे पास है। वदालिका अज़अफ़ु अला ईमान, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। इसलिए अगर भलाइयों को हम नहीं पहुंचाते और बुराइयों से हम नहीं रोकते, गलते हम नेक हैं, हम खुद बच रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो हम नहीं बच पाएंगे। सूरतुल अनफाल में आयत नंबर 25 में अल्लाह ने बयान किया, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। उस अज़ाब से बचो जो तुम में खास कर गुनहगारों को नहीं पकड़ेगा, यानी ऐसा अज़ाब कि खास कर गुनाह करने वाले मिट जाए, ऐसा नहीं। वो अज़ाब आएगा तो गुनाह करने वाले और गुनाह देखने वाले दोनों जद में आ जाएंगे, दोनों ही गिरफ्तार हो जाएंगे। तो वो अज़ाब हम पर आज जारी है, लेकिन हम एहसास नहीं करते, इदराक नहीं करते, शऊर नहीं करते। आज जो परेशानियां हैं, आज हम जलील और रुसवा हैं, उसके लिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं, गिरिया उजारी भी करते हैं, लेकिन हमारी दुआएँ नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम खुद तो नेक हुए, हमने अपने आप पर तो किताब अल्लाह सुन्नत रसूल नाफिस कर लिया, लेकिन जितनी ताकत है उतनी ताकत के बकदर दूसरों तक भलाइयाँ नहीं पहुँचाई और दूसरों को बुराइयों से नहीं रोका। ये बहुत बड़ा फरीज़ा है, और जब तक के ये अमल हम नहीं करेंगे हम बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिफत और ये खूबी अल्लाह ने बयान की है कि हम भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। जब हम करेंगे भलाइयाँ और बुराइयाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शुरू में ही कहा, जैसा कि सूरत शौरा की आयत नंबर 214 है, वअंदिर अशीरतकल अक्रबीन, नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराए। अल्लाह ने आपको तो हिदायत दी है कि आप खुद तो बच गए, लेकिन अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनको आप जहन्नम से बचाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया, उसमें करीबी रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार भी थे। आपने कहा, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनफिदु अनफुसकुम मिनन्ना फइन्नी ला अनकुम मिनल्लाह शैया। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकता। ये खूनी रिश्तेदार थे, इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खूनी रिश्तेदार। और अब्दे मनाफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा में से जो ऊंचाई पर हैं, उनकी जो औलाद थी वो दूर के रिश्तेदार थे मुकाबिल अब्दुल मुत्तलिब के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके औलाद से कहा, या बनी अब्दे मनाफ अनफिदु अनफुसकुम मिनन्नार फइन्नी ला अनकुम मिनल्लाह शैया। अब्दे मनाफ की औलाद, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकता। नबी तो बच गए थे, लेकिन अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि आप इनको डराएं, आप इनको बचाएं, और ये हुक्म सारे अहले ईमान के लिए, क्योंकि मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई। अल्लाह ने बयान किया जैसा कि सूरह तौबा में आयत नंबर 71 में, वल मुमिनून वल मुमिनात बअबुहुम औलिया बअब यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमून अस्सला व युतून अज़्ज़का व युतीउन अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मोमिन एक दूसरे के आपस में वली हैं, दोस्त हैं, चाहे वो मोमिन मर्द हो या फिर मोमिना औरत हो। उनकी जिम्मेदारी ये है, या मुरून बिल मारूफ, ये आपस में भलाइयों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, व युकीमून अस्सला इकामत सलाह का अहतमाम करें, व युतून अज़्ज़का और ज़कात दें, व युतीउन अल्लाह व रसूलह अल्लाह उसके रसूल की इताअत करें, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। रब्बुल आलमीन इज़्ज़त वाला है और हिकमत वाला है। ये अहकाम थे जो आपके सामने बयान किए गए, अवलन हिदायत का जो हुक्म था वो आपके सामने बयान हुआ, और दूसरा ये कि हम जिन खूबियों की वजह से बेहतर हैं, अगर वो खूबियाँ हम में मौजूद है, मसलन हम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल करें, भलाइयों का हुक्म दे और बुराइयों से बचाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के यहाँ बेहतर बन सकते हैं। ये कुरान मजीद के अहकाम थे। रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह आज जो कुछ हमने सुना है उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्म जअलना मिनल मुहतदीन, अल्लाह हमें साहिब हिदायत बनाए, हिदायत याफ्ता बनाए, और اللهم اجعلنا ممن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। आमीन। सुभान ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। सवालात किसी के पास है पेश कर सकते हैं।